ए पांडे, तेरा HDFC का क्रेडिट कार्ड देना। पब्लिक है आसपास, कुछ तो रिस्पेक्ट कीजिए ना। श्रीमान पांडे जी, कृपया करके अपना क्रेडिट कार्ड दीजिए, नया फोन लेना है। अच्छा, फोन आप खरीदिएगा और दिवाला हमारा निकालिएगा। अरे वो क्या है ना कि आपके वाले क्रेडिट कार्ड पे मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, मैं शॉपिंग कर लूंगी और आपको कैश दे दूंगी, मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको रिवॉर्ड, दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन। वो क्या है ना कि जितना बोर्डवर्क आप हमको समझती है ना, उतना हम है नहीं। वो क्या है ना कि जो पर्सनल क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो पर्सनल यूज के लिए होता है, और अगर क्रेडिट स्पेंडिंग इनकम लिमिट से ज्यादा हो जाए तो बैंक अलर्ट हो जाता है, और ऐसे जुगाड़ से रिवॉर्ड कलेक्ट करने वालों के ना क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो जाते हैं। जी पांडे जी, यही थी दोस्ती, यही था प्यार, बीच में आ गई क्रेडिट कार्ड की दीवार। देखिए, दीवार का तो नहीं पता, लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस हमारे घर जरूर आ जाएगा जब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में हमारी एक्सेस स्पेंडिंग हमें स्क्रूटनी में डाल देगी। तो अब हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले ना हाउस ऑफ ग्रोथ को फॉलो कीजिए, जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का बढ़िया बढ़िया बात बोलता है, और उसके बाद ना पैसे से पैसा कमा के फोन क्या हवाई जहाज खरीदिएगा। क्यों, ठीक बोले ना?